Good morning, all of you. I am Vasudev Prajapat from Pandit Deendayal Intermediate College, Maharajganj. आज दिनांक 15/5/2020 को क्लास 8 की सब्जेक्ट इंग्लिश में स्वागत है. आज का टॉपिक है हमारा डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन. मेरे प्रिय छात्रों, कल आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में बताया गया था, आज हम आपको डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में बताते हैं. डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन का हिंदी जो होता है संकेत वाचक सर्वनाम होता, ध्यान रखेंगे, संकेत वाचक सर्वनाम. यानी इसका हिंदी रूपांतरण है, डेफिनेशन है, वह सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आए हुए किसी संज्ञा की ओर संकेत करता है उसको हम डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं. आपको डेफिनेशन लिखवा दिया गया. डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट द थिंग्स फॉर व्हिच इट स्टैंड्स. यानी जिस शब्द को संकेत करता है ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो ये जो है वह शब्द है जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करता है उसे डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं. अब जैसे आपको एग्जांपल दिया गया है, दिस इज माय पेन. तो अब दिस जो है यह मेरी कलम है. तो आप ध्यान रखेंगे दिस जो है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि कलम की ओर संकेत कर रहा है. अब इसके अंतर्गत ध्यान रखेंगे दिस दैट दिस दो आ जाते हैं, इनका यूज कैसे करते हैं ये ध्यान रखेंगे. अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और वो जो है जिस चीज की ओर हम संकेत करते हैं वो सिंगुलर है, तो उसके लिए पास की वस्तु के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं. और सिंगुलर सब्जेक्ट अगर दूर की चीज कोई हो उसको संकेत करने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं. उसी तरह से पास की तमाम चीजों के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं और दूर की तमाम चीजों के लिए दोज का प्रयोग करते हैं. ऐसे ही इन्हीं शब्दों से फिलअप करने के लिए हम आप लोगों को कुछ सेंटेंस दे रहे हैं. इसको आपको सुटेबल जो है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन से फिलअप करने की, जो नहीं समझ में आएगा फिर आपको बता दिया जाएगा. टुमारो अगेन, थैंक यू.